पूजे नहीं, शराब धुआं अंसार ये हमारे छायताओं में उसी में इससे ज्यादा बदलाव कैसे हो सकता है। कल कोई और मुफक्कर यूरोप से आएगा और पूछे यहाँ तो शांति है, इससे तो तकलीफी सलाह करती है। और जो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि हमको जब मेल दी गए अपने अंदर तीन दर्शन उसकी तकलीफी सलाह होते बढ़ जाए, इसी तरह के दलाल मौजूदा तमाम जहीन लोग थे, मगर आज तक हो सकता तो मौजूद है शराब खानों के साथ लोगों को मौजूद है। हर आदमी को दावा करते हैं मुझे बचा नहीं होता, हर आदमी जो शराब पीने लगा नहीं है और लोगों को करना मुझे नहीं होता, और उनकी अहंकार को शर्मनाक देख के ख्याल आता है तो ये ऐसे मुझे बात है। शैतान ये चाहता है तो और कुछ नहीं, सवाल मुझे अलग का नुकसान जी उसकी जो तकनीका हजार आराम जाए तो न जाए शैतान हो मालिक उसकी तो तकलीफा मुझे ही कहते हैं भाई देखो शैतान कहीं चाहे तो तुम मेरे बंदे, अगर तुम रोशन सयाली के बंदे तुम्हारी बंदे, मगर अगर तुम मेरे बंदे हो मुसलमान हो मुसलमान रहना चाहते हो तो शैतान नहीं चाहता है कि और कुछ नहीं कि शराब और धुए से तुमने आपस में दुश्मनियों की ना जाए, आपस में दुश्मनियों की ना जाए और तुमको खुदा की याद और निवास से बाहर रखे। तो आज तो बाहर जाते हो कि नहीं बोलो या बना करता है बाहर आम तो बोलता हूं क्या तो बाहर आते हो नहीं पैसा करते नहीं महंगा है तो आप लोगों ने सुनने वालों का लेकिन ये अनुभव है आपको और बुरा जाकर आज तुम जुमला बड़ा खूबसूरत है जो अल्लाह ने आकर में लिखवा तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि अब हमें शायद आम गया ये भी आराम से बनते हैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप आराम रास्ते पड़े हुए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हमारे शैतान है और ये तुम्हें लड़ाने के लिए है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए है, तुम्हारे रिश्ते बाटे उजाने के लिए है, तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बतों के पाते है ये उम्र खबारिश तुम्हें अल्लाह की याद से बातें करने वाली है, तुम दुआएं नहीं कर सकते नशे में क्योंकि पहले भी जब मैंने मना नहीं की थी अल्लाह कहता है तो पहले भी ऐसा हाल है रसूल नशे में जाते थे तो जाके क्या करते लाते उदा पुकारे साइकोलॉजी की गलती तो नहीं बदलती, हजारों सदियों पुराना बेचता तो विभाग में पहले से मुतालक था इस्लाम को ताले पैदा रेवोल्यूशन की, तो जब कोई नशे में जाता जब तक मबनी नहीं हुई थी तो शराब में बजाय इसकी अल्लाह का नाम लेने के ला तो अदा और मनाज के नाम ले लेते फिर अल्लाह ने कहा यार इसका न करो बाहर तक लोग सलाह तमाम को छुटा नशे में नहीं जाए कोई बुला मुझे पता ही नहीं है मुझे होश ही नहीं है कि तुम क्यों ये काम कर रहे हो, इसलिए अल्लाह आपको बजाय राजी देखकर कमाल करना तो अच्छी बात मगर ये क्या हुआ कि अच्छी बात करते हुए ये अच्छा हुआ उसकी वजह से खुदा को और नाराज कर लो और खुदा के गजब को भड़का लो तो फरमाया तो आप भी पा जाते हो कि नहीं, मैंने तो समझा दिया ये मेरा जान है ये मर्जा अल्लाह बहुत कम इस्तेमाल करता है पला आए अंतिम मिलता हूं ये बड़ा कम लगा इस्तेमाल करता है कान से पकड़कर बड़े से मासूम बच्चे को जिसको पता नहीं कि हमारे आराम क्या है जिसको पता नहीं कि शराब की खसाइश क्या है और बुराइयां क्या है उनको कहते यार अभी तुम बाजू नहीं वादे तो कर दिया कि शैतान के अमाल से बचो, मैंने तुम्हें वादे कर दिया कि ये जंग और फसाद और फितना और सर का बायस है अभी तुम बचते भी नहीं, बहुत से लोग कहेंगे सॉरी सर हर बात
हमें तो पी नहीं है। क्या देखिए जरा फरमाइए, ये अजीब सा खुदा है, कुर्बान जाइए अल्लाह की जात के मुबारक पर, इंसानी कॉन्डक्ट को कितनी मजबूरी है यार। तो खास तौर पर पैदल रखे चलने में इस मखलूक को जैसे चलती है, शरा के कुछ सख्त कड़े जाते लगा देता, उसी वक्त फौरन इंसाफ करा देता, करोड़ मर जाते एक बार बाकी मारा हाल जमीन पर डर के मत सर और उदार की जिंदगी में क्या करते हो, पहला और आखिरी सांस उधार, मां बाप उधार के दिए, उसने माहौल उधार कर दिया, जिंदगी उधार की, किस चीज पर नाम वो गरूर है, और सरकार वो फिराव आमान किस चीज पर मार जाए, एक जिंदगी सा आपका जिसमें लाया से अल्लाह ने पूछा कि तुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, तेरा दिल तो बड़ा सख्त पत्थरों का पत्थर, इतनी सारी जाने के निकालता है इस्राइल, कभी तेरा ही भी दर्द पड़ा जनाब हजरत चुवारा, एक दफा पड़ा कि मैंने देखा एक जहाज टूटा, एक मासूम सा बच्चा था और उसकी मां बची और एक लकड़ी का तख्ता था, वो मासूम बच्चे को लोग उस तख्ते से लिपट गए, मगर वो तख्ता दोनों का बोझ निशा होता था, तो मैंने देखा कि मां ने उस तख्ते को छोड़ दिया, तो मेरे दिल में मनाया और कहा कि काश अल्लाह मेरा परवरदिगार इस मासूम को जिसकी खातिर इसकी मां ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इसे जिंदगी अटा, कहा तुझे कभी किसी मौत को खुशी नहीं हुई, कहा अगर जान निकालू का आदत देख रहा, आपने मुझे हुक्म दिया था शायद इकराम और इज्जत है कि मैं सरदार की जान निकाल और मैं उसे जन्नत में गरूर करते हुए देखा और वो घमंड की बातें कर रहा था, अपनी खुदाई का दायर रहा था और फिर उसने बहुत आसमान सर पे उठा लिया था, फिर तुमने मुझे हुक्म दिया और मुझे उस मुतकबर की जान निकाल के बड़ी खुशी हुई, कहा जिब्रील ये वो बच्चा था, ये वो बच्चा था जिसको तुमने मासूम जानकर जिस पर कितना तर्स खाया था, हाजिर हजरात ट्रांजिशन में फैसले नहीं दिया कर गुजरान गुजरते हुए वक्तों में किसी पर राय नहीं पास किया गया, किसी के अंजाम को आपको क्या पता, कोई किस तरह जाए, कोई मिस्कीन कब मजबूर होता और कोई मजबूर कब जमीन पर गिरता है आपको क्या पता, तो बदगुमानी से बचना वाला काम से फिर आज से मारा जमीन पर अगरता और ना जान, क्योंकि मां की जमीन को मार सकता है और ना पहाड़ों के बराबर हो सकता है, ना वो जमीन को मार सकता है, अभी तक तो रुस्तम और सहराब के बड़े किस्से सुने, तो जब किसी को बहुत ज्यादा ताकत का मुबालगा करना हो तो कहते हैं उसने जमीन पाव पर जमीन पर पाव मारा और जमीन से धुआं होता, ये किसी ने नहीं कहा करा पर कीचड़ होगा, नर्म जमीन खुश्क और सख्त जमीन में किसी पहलवान के पांव से गड़े नहीं है, किसी महरूम के पांव से जमीन के दामन पर कोई मुझे बात नहीं होता, दयाला आ न जानू न सिकंदर सा पादशा तख्ते जमीन पर शंकर आए चले, और देखो आए बंदगान खुदा इतनी डिसेंसी के मैनर्स पूरे नहीं होंगे जब तक एक बड़ी बात नहीं होगी, मेरी याद सुना मेरी याद से ना बोलना, मेरी याद से जो वो बोलेगा ना उसकी मरीशत तंग हो जाएगी और कयामत के दिन हम उसे अंदर हो जाए, मेरी याद से ना बोलना, मुझे याद रखना मैं तुम्हारे बयान में रहूं, मैं असल कुत हूं,
मैट्रिक्स ऑफ लाइफ करूंगा, ये कंप्यूटराइज वर्शन करूंगा, जमीनी आधारित पर नहीं रहूंगा, इसके पसमंजर में आसमानी हकीकत तुमसे कभी और जमीन जमीनी अकाश मेरे आपकी हमें अपनी परफेक्शन का बिंदु के लिए इसका खुदा से आसमान से कोई वास्ता नहीं, वो हकीकत अटल है। तमाम वजूद जमीन एक मफलूदा हो सकता, मगर तकलीफ करने वाले के जहन में भी मफलूदा हो सकता, जो कुछ भी हो रहा है शायद अल्लाह के जहन में भी हो रहा, तो वजूद हकीकत में सिर्फ है और वो मैं हूं, तो मेरी याद से भी न बोलना, मेरी याद से नफरत न करना, मेरे कभी ख्याल न करना कि जमीन तुम्हारे अंजाम का बायस है, जमीन से बहुत आगे तुम ले जाएगा। कभी गवाहियों के कुछ केस पेश हुए, मुझे उस आलम का पता सुनी, मुझे सुना किसी आलम ने ये कहा, अभी सौ काल के तस्वीर है, मैं इतनी ज्यादा देखता नहीं गेम्स के अलावा, के बदकार झूठे बदमाश की गवाही भी जाए, किसी आलम ने कहा, वो बड़ी दूर की बात है कि जिसका फिस्को फजूर इतना मुसलम है, मगर कुरान तो एक किस्म की गवाही के बंदे को भी सारी जिंदगी के लिए नाराज करा देता है। जिसमें किसी पाक दास आजाद औरत का जना की तहमत लगाएगी, वो नमाज सोचिएगा कि इससे बड़ा तहफुज कौन सा कानून दे सकता है, जिस जिन लोगों ने मुसलमान आजाद पाक दामन औरतों का जना की तोहमत लगाई थी, चार गवाह ना ला सके, कोई नहीं ला सके, फिर चार गवाह ना ला सके तो उनकी तोहमत की सजा में उस शख्स को 80 कोड़े लगाओ, सारी उम्र उसकी गवाही मत मांगो। वो कौन लोग हैं जो फांसी को फाजिल की गवाही लेने, कुरान को कह रहा है कि सारी जिंदगी उसकी गवाही ना लेना, जिसने एक मुसलमान औरत पर तोहमत लगाई, वो इतना बुरा है अल्लाह की नजर में कि फिर हिदायत फरमाई कि फिर सारी जिंदगी उसकी गवाही ना लेना। ये कहां से मुझे गुंजाइश निकल आई कि हाँ झूठा बदकार और मुनाफे गवाह हो सकता है, ये आपको गौर करना होगा। मैनेजर के तमाम की बात है, जब आप किसी की डाल के दरवाजे में जाए तो ठमक अब चूहे बहती है, अगर बेचारा मजबूर है या मस्की है जो भी है, मगर आपका दावा है कि जिंदा और मुर्दा से निकाल के छोड़ेंगे, ऐसे हालात में ना वो गरीब आपको कुछ कह सकता है, आप अपने आपके दायरे को रद्द कर सकता है, वो ख्याल है कि बहुत सारे लोग मुसलसल झूठ बोलते होते कि हम हैं या हम नहीं है, दोनों सोचते हैं, मगर खुदा के हुक्म की इस साल तक कभी आपको शहादत मिलेगी कि अपने घरों के सिवा पराए घरों में मत घुसो, अपने घरों के सिवा पराए घरों में मत जाओ जब तक तुम घर वालों से इजाजत ना लो, और बाहर रहकर सलाम दुआ न कर लो, एकदम से अंदर भी घुस जाना है, वन मस्ट लर्न मैनर्स। मेरे बहुत बड़े के बड़े बड़े बाहर की हदीस में आया है, जब अली की अब्दुल्ला बिन मसूद जाया भी करते थे, उनकी शक्ति ईमानदार भी चाहती थे, अपने बाल के घर जाना चाहते थे, तो पहले दस्तक देकर उनसे इजाजत रखते थे, फिर अंदर जाते थे। ये वो बाधा रिजर्व है जो अल्लाह आपको बनी सकती थी, आपको भी नफसम अपनी औलाद को बच्चों को खुद भी इजाजत सीखनी चाहिए,
और यही एक पदार्थ मैडम है ये सभी से गुरेज देते हैं कि जब आप किसी को घर जाए तो कम से कम ये लिहाज करें कि उससे इजाजत ले और अगर इजाजत न मिले तो जबरदस्ती न उससे बैठ जाए ये आपका अल्लाह का हुक्म है और वला तुकू आमन मुस्लिम और हद से निकल जाने वालों का हुक्म खत्म हो ये तमाम हुजूर की खुदा ने की बात को नसीहत फरमा अरे असल हम क्या समझते होंगे मगर हम तो फैसले से मुसलमान उसी अल्लाह का हुक्म मान रहा है हाँ अगर अल्लाह को मान गलत कहता है तो अगर ऐसे दानश्वर बता देगा मरे उसको मशहूर हो गए खुदा जो कह रहा है कि बुराई का फैसला खता बदलगा किसी नाकिस काम का अगर बदला हो जाए तो उतना जितना तुम्हारे साथ हुआ है अगर किसी को बुराई की है तो सिर्फ किसी ने थप्पड़ मारा है तो सिर्फ एक थप्पड़ ही उसका बदला इस पर भी कोई माफ कर दे और मिल जाए तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे कि अगर बराबर का बदला दो और लो तो ठीक है जाए ये तुम्हारा हाथ है मगर अगर माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात उसका सवाब कर अल्लाह के जिम्मे कि खुदा आपको इसका अजर देने वाला है वजह यह है कि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता और कई अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता तो फिर मुसलमान जालिम नहीं रह सकता मुसलमान अगर अल्लाह के इतदारों को पसंद नहीं करता तो फिर मुसलमान के इतदार नहीं हो सकता अगर अल्लाह बुकिन वालों को पसंद नहीं करता तो फिर मुसलमान बुकिन नहीं हो सकता अगर अल्लाह कबूल कबर वाले सभी मिलता है नजीब मुका नहीं रखे अल्लाह की खातिर कतल तो जरूर हो गए चलो जरूर मगर लड़ाए गए थे वो जाति में बैठो कोई मंदा आला नहीं तुमको कभी अल्लाह जाति करने वालों के साथ नहीं है तो फिर अल्लाह ताला उन काफिरों को माफ नहीं कर सकता कि जो उसके नाम पर ज्यादती करते थे ये वो कुरानी ये वो कांडक नहीं ये वो मुसलमान नहीं मुसलमान वो है जिनको जिनकी सिफात मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं मुसलमान वो नहीं है जो दावे करे झूठ बोले खुद गुमराह लोगों को गुमराह करे मुसलमान वो है जो दावा लिबा कहीं भी ना मारा कपूर तुम बात क्यों कहते हो करते नहीं हो मुसलमान की कहो फिक्र में कोई इतवार किसी किस्म की है स्ट्रेस नहीं है वो कोशिश करता है कम बोले और उतना बोले जितना वो अमल कर सके एक और जगह देखिए कितना खूबसूरत कर्ज अमल है जो अल्लाह इंसानों को बताता है क्या मुसलमानों जब से तुम्हें दुआ मिले तो उसी की तरह की दुआ दो और इससे बेहतर हो जब कोई तुम्हें दुआ दे जब तुम्हें कोई सलाम करे जब तुम्हें तहियत दे तहियत करे तो अगर उससे बेहतर उसको दुआ दो और अगर उससे बेहतर दुआ नहीं दे सकते तो आए मुसलमान दो उससे ही बराबर की दुआ दो कम ना करना मेरी सलूक का जवाब सलूक है सलाम का जवाब सलाम है तहनीयत का जवाब तहनीयत है तहनीयत का जवाब तहनीयत है बल्कि अगर इससे भी बेहतर अपने लोगों के लिए कर सको तो तुम्हें अल्लाह अपनी तरफ से सवाल और उस बार उस शख्स की बात ही मत सुनो जो कस्में बहुत खाता ज्यादा कस्में खाने वाले अल्लाह के नजदीक सही होते झूठे होते हैं ऐब निकालने वाले ताने मारने वाले चुगल खोर हम ये झूठे चुगल खोर बदकार लोगों को खुदा पसंद नहीं करता
इंसान थोड़ा छोटा कमजोर है, जब उस पर घबराता है, चिंता न करता है, तो मुसीबत आदमी घबरा जाता है, माल आता है तो मुखी हो जाता, माल आता है तो मुखी हो जाता, मुसीबत आती है तो घबरा। इसलिए हम कहते हैं कि तस्बीहात मुसीबत में जरूर है, और मुसीबत निकल जाने के बाद आपके लिए बड़े से शुक्र, अल्लाह के शुक्रिया अदा करने के बारे है। अगर आप मुसीबत के बाद भी तस्वीर करते रहो तो फिर खुदा कहते हैं देखो हम बढ़ने वालों के हम रिहायत करने वाले तनाव का जो अल्लाह के कवानीन और उनकी आदाब से आगे बढ़ता है, फौला का हम आदूर ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये हद से बढ़ने वाले हैं, हम इनके कायल नहीं है, ना हम इनको आपको सलूक और मतबा बचाते हैं। हमने तो तुम्हें ठीक करके बनाया है, अंदाजी खलाका का फसबा का फादला का, हमने तो तुम्हारी बुनियाद अगर इंसाफ और तवाजुन पे रखी है, तुम्हें खूबसूरती की काफी है, ये सूरत माशा रबा का रबा रकाबा का हमने तुम्हें खूबसूरती से बनाया है, और इनका अच्छी सूरत है, हम कैसे दे इतदाली और मसक शुदा सूरत तुम खुद पैदा कर, ये इतदाली से बेतवाजन जिंदगी से तुम अपनी सारी की सारी जब बाल समेटोगे अल्लाह जी जमा बाल बादल दिन दिन के रखोगे तो तुम जरूर बस हो जाओ, तुम्हारे जीवन बस हो जाओ। जब तुम दिन दिन के रखोगे खुदा की राह में नहीं खर्चोगे, आदाब जिंदगी पर ही से खातर नहीं रखोगे, खुदा की दिए हुए आदाब पर ही से खातर नहीं रखोगे, तुम यकीन थे उस बरकार घरों में, उस तबाह होने वाले घरों में होंगे, ताना मारने वालों में से होंगे, गीबत करने वालों से होंगे। पूछता है अल्लाह ये बताओ कि तुम्हारा माल तुम्हें सदा जिंदा रखे, करोड़पति खरबपति तुम्हारा माल तुम्हें सदा जिंदा रखे, क्या इस किस्म का कोई अमकान तुम्हारी नजर में मौजूद है, इस किस्म की कोई पहले हिस्ट्री में देखा, हिस्ट्री तो रिपीट करती है, क्या कोई हिस्ट्री में पहली रेपिटेशन ऐसी मौजूद है कि जिसके तहत तुमने देखा हो कि तुम्हारे माल और असबाब ने तुम्हारे एटीट्यूड ने चक्का बढ़ा के तुम्हारी हकूमतों ने तुम्हें बचा लिया, ऐसा ना हो सकता है ना कभी होगा, यही सच्चाई है उस बड़े हकूमत वाले की, मकाले के इख्तिताम में कैसे मुनासिब है कि जिक्र रसूल के बाद ये जिक्र इख्तिताम खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो उस वक्त तक मुस्लिम और मोमिन नहीं है जब तक दूसरों के लिए वो ना चाहे जो अपने लिए चाहता। मेरा फरमाइए किस किस्म का इख्तदार आपके रसूल चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल को वो अमल पसंद था जो करने वाला हमेशा कर सके, बड़ा खूबसूरत काम रसूल है, फरमाया जो काम करो वो काम करो तो कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं थकते बैठो थक जाओ तुम थक जाओ, ज्यादा ताजुबे करके थक जाओ, चार बजे पढ़ सको। एक बार गुजरात में एक जगह से भी लिखा तो मेरे गांव बेटे ने 14-15 हजार की पांच सौ शुरू कर दिया, मैंने कहा भाभी इश्क में शुरू किए भी ये चार ही नहीं रह सकते, ये जवानों के काम ऐसे जरूर है गैर, क्योंकि ये गायब मोड़ पर भी रवैया है पांच गुण ताजिब पढ़ना बहुत बड़ा कार्य सवाल, मगर अगर निभा सको चार दिन की ताजिब नहीं चल सकते। हमने तो अब्दुल्ला बिन उमर बड़े होकर रखते थे, अल्लाह के रसूल ने फरमा मोतदिल हो जाओ इत्तदाल करो, तो बाद में जब अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने की याचना मुझसे आसान, अच्छा तो करो जो तुम करते हो, तो बाद में कहते काश में रसूल्ला की बात मान लेता, अब उस पर मुझे बड़े गुनाह। तो फरमाया कि अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं थकेगा तुम थक जाओ। हजारी बयानी
खुदा रसूल की बातें तो पाओ नहीं सुना, मगर बदकिस्मती से ये भी आदि से रसूल है कि कयामत का मुंतजर हुआ है जब अमानत उठ जाए, कयामत का मुंतजर हुआ है जब अमानत उठ जाए। पूछा गया सरकार इंसान माओ से हजरत आला अमानत कैसे उठेगी, फरमा जब काम ना लाए तो ना अहम को भी दिया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है सारे काम में माफी बहुत सारे काम बहुत सारे काम लगे से फरमाए रखे प्लान बेस्ट है। ये मैं आपको कोई मिसाल में आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, कॉन्डक्ट है जो मुसलमान को बताएगी जुमला जुमला कॉन्डक्ट है। फरमा अल्लाह उस शख्स पर भयंकर जो बेचते खरीदते और तकाजा करते वक्त नरमी रखे नाजी रखे। मेरे बंदे कहां कहां तक कौले रसूल की रसाई शख्स पर बहन कर वो पाएंगे तो वो किदार है वो शख्स जो बेचते हुए खरीदते और तकाना करते हुए नदी और फुलाजी हमारा रसोई संसद में एक सदागर था जो लोगों को कर्ज दिया करता और जब फिर जब देखता कोई मोहताज है तो अपने आदमियों से कहता कि इसे माफ कर दो शायद अल्लाह हमें भी माफ कर दे। अल्लाह ने उसे माफ कर अल्लाह ने उसे माफ कर दो खरीदे नहीं इसमें बयान नहीं बातचीत अंदाज अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत में बड़ी मजे की बात है। मैं साल में एक मरतबा ये जसारत करता हूं इसलिए आज के दिन मुझे माफ कर दो। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनाने के लिए मौका और वक्त ढूंढते थे, यानी हर वक्त भी पहुंचते रहते थे हमको बहुत बड़े उस्ताद जानते थे कि लोग कभी बात सुनने के मूड में होते कभी नहीं होते। हमारे तो वाइसीन मुकर्रम जो है और हजरात मुकर्रम जो है वो इस बात के लिहाज से कह दूंगे उनको अपनी बात सुनानी है चाहे आप जहां नजार में सुना, इसलिए मैंने पहले माफी मांग तो हवा इसमें बात सुनाने के लिए वक्त बहुत बार ढूंढते थे इस ख्याल से या इस तरह से कि हमको बोल सुना महसूस। क्या तस्वर है ये टीचर्स काउंसिल रोना डर है वो किताबों में देखो ना ये बच्चे भारत स्कूल जाते वो ढेर एक स्पेशल गड़ा चाहिए उनको डर में से ये बच्चों की कमरें जो खम हो गई है और उनके फैम और फरासत जो मुअत्तल हो गए हैं जो माँ बाप से सुबह शाम लड़ते हैं कि हमें क्यों जोर के स्कूल में तुमने डाल दिया वो उनके बस्ते उनको देखो बवाल नौकर के बेचारे वो बस्ते कौन कैसे उठा सकता है। तो आपके रसूल मुबारक का कानून है सब गंगा हो अरे मान है कानून ये है कि मौका ढूंढते थे कि ये अगर मुनासिब हो तो मैं इनसे ये बात कर दू ताकि इनकी तवा पर बोझ ना बने। कई बार तकलीफ वाले को देखा कि हम लोग बेचारे को शादी की तकलीफ में दो चार दिन खुशी में आना चाहते थे तब चल तब नीचे न लगाओ कहो बुरा जी आज के दिन तो बस रहो नहीं आज ही लगाओ आज ज्यादा सवाल कार्यालय के किराने मरतबा बोझ नहीं बनने चाहिए मजहब बोझ नहीं मजहब फराज ही है कुशादगी अकल्प है मजहब बहादुर खूबसूरती है एस्थेटिक्स की आला तरीन वैल्यू मोहब्बत ये जमालियात की हिस है। अल्लाह से कौन प्यार कर सकता है जिसको हुस्न से प्यार वरना और जमीन में कोई वही कोई जमा अल्लाह हुसीन है उससे तो वही प्यार रख सकते हैं जिसको हुस्न का एहसास है जो दुनियावी परत दर परत इंतजामी इखलाकी तालीमाती
ان تمام حسن کی صورتوں سے آگے بڑھتا ہوا تجرید کی محبت میں مبتلا ہو. پھر ہم دیکھیں خدا کی محبت میں چلا جاتا ہے, صفات کی محبت میں چلا جاتا ہے, جس کو اپنے وجود کی پستیوں سے لے کر جو آفاقی لاباقالیت کی محبت میں جاتا ہے. اس کے لیے بہت احساس ہوتی چاہیے, بہت خوبصورتی کا احساس ہے. حضرت ابو عبدالرحمن کی مثال دیتے ہوئے عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ ہم تمہاری حدیث چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, تو ہمیں روز حدیث سنا تھا. عبداللہ نے کہا میں جو تم کو ہر روز حدیث نہیں سناتا تو اس وجہ سے کہ برا جانتا ہوں کہ تم کو مرا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں میں کوئی دن مقرر کرتے ہیں اس واسطے کہ آپ ہمیں رنجت نہیں دینا چاہتے, یہ میں بھول رہتا ترجمہ میں پڑھ آپ ہمیں رنجت نہیں دینا چاہتے, تکلیف نہیں دینا چاہتے. یعنی کبھی کبھی مذہب دیکھنے میں بھی سننے میں بھی اور مذہب کی تعلیم میں دکھ ہو سکتا ہے. آپ مانے میں تو نہیں مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے خاص رہنے کی کیا ہے تکلیف سے بغیر اللہ کا رسول تو کیا ہے کہ کبھی بڑی کو چوکی ہو کہ تمہیں اللہ کی بات سن رہے, ادھر جانا بڑا اچھا لگا ادھر آپ حدیث سن رہے ہو, تکلیف تو ہو نہیں نا. تو اللہ کے رسول تو موقع ڈھونڈتے تھے کہ جب لوگ سننے کا قابل ہوں تب میں ان کو پاس سناؤں. اللہ کا تنتا نے پھر سکون واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو تھے بڑے اچھا گانے والے, میری آواز بڑی اچھی تھی, گانے والوں کو اسے دمی نہیں ملنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی خوبصورت تھی, اونٹ پہ تھے اور گا رہے تھے. یہ تفصیل نہ ہے کہ وہ اونٹوں والا گیت نہیں تھا, ظاہر ہے وہ خوبصورت جگہ ہوگی کسی تو گا تو لوگ جماؤنے شروع ہو گئے. بھلا آدمی مومن کی آواز اور خوبصورت آواز تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. تو جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت نے یادر بات کر کے قرآن سنانا شروع کر, بولے تو لوگ بھاگنے شروع ہو گئے. جب سارے چلے گئے تو حضرت عمر نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے, میں تمہیں قرآن سناتا ہوں تم بھاگ جا کے گانا گاتا ہے تم پڑھتا ہے. حضرت اکرام کہہ بھی ایسے ہی بولتے ہیں, آپ خام خام پریشان ہوتے ہیں, کہنے بھی ایسے بولتے ہیں جو گانا زیادہ سنتے تھے اور قرآن کم سنتے تھے. یہ طریقے مگر اس وقت کسی نے ان کو تعلق تو نہیں دیا نا, چاہے کہ حضرت عمر نے ہم کو یہ بھی نہیں کہا تم سردار کے قابل ہو. آج خود انہوں نے کہا کیا فضول بات ہے, دیکھو ان کو کتنی آواز سے گانے سننے کی اور کتنا کم شوق ہے قرآن. آج حدیثیں کو تسل مسلسل متواتر مشہور حضور گیان مرتبہ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرانا روی اختیار اعتدال اختیار, یہی طریقے پروردگار, یہی طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرانا روی اختیار کرو, معتدل زندگی گزارو. اور اگر یہ نہ ہو سکے, اگر یہ نہ ہو سکے, بالکل پرفیکٹ اعتدال نہ ہو سکے تو اس کے قریب نہ, کوشش کرو کہ اس کی حدود سے نہ نکلو, اعتدال کے بیچ میں درمیان میں رہو. افراد اور تفریح اور غلو اور تعصب سے بچو, نہ کر کسی کی زیادہ تعریف نہ کر, بے جا عقیدتوں میں نہ پڑھو, کسی کے بے جا تعصبات میں بھی نہ پڑھو, بے جا مخالفتوں میں بھی نہ پڑھو, ہر چیز کی کثرت نہ کر اور کسی کو بہت کم بھی نہ کر. فتوا دینے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے, مبارکہ دینے سے بڑا فرمایا حضور نے فرمایا جو شخص بغیر علم کے فتوا دے گا اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہوگا. آج کل تو اسناد تو پتا نہیں, علم کا تو پتا نہیں, فتاوا اس کثرت سے آ رہا ہے, آپ ہی ٹی وی پہ رہے اس کثرت سے فتاوا آ رہے ہیں کہ یہ نئی جو اجناس علماء ٹی وی ہے اس میں تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی علمی اثرات کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں.
मजबूरियात आप अमेरिकन की तरह खा भी नहीं सकते, मना कर दिया गया। मोदी एक करते ही में खाता है और कामर साथ में, मैंने देखा अमेरिकन को खा कर आप भी खा सकते, दुकान भी एक लग गया, लेकिन चाहे कितनी भी औषध ख्याली हो आप अमेरिकन की तरह नहीं बिहेव कर सकते। काबल बहुत सारे आंतों से आंतों से खाता है और मुसलमान बेचारे को खाके की हिदायत है एक हाथ से खाने की, ज्यादा खाना मना है। देखो कितना बड़ा कानून था इस जमाने की, अल्लाह को पता है मेरे लोग भी मोटे ताजे हो जाएंगे। आपको सेम और स्मार्ट रहने की वहां से कब से आपको अल्लाह के रसूल ने हिदायत फरमाई कि एक हाथ खाया करो कभी भी मोटे ताजे नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह ताला लजीज, अल्लाह वजूद को बेहतर है और सबसे बड़ा उसकी रहमत और मौजूदगी और बरतरी का सबूत कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह अंदर का फरमा दी।